नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने निकल के सामने आ रही है और ये जो वीडियो है सबसे पहले मैं ही आपको अवगत करा रहा हूं। तो इसके लिए अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले अपडेट देता हूँ। बाकी तो आपको आधे घंटे में सभी लोग पता लग ही जाएगा, वीडियो देखेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा, आप तक अपडेट फिर वो लोग भी पहुंचा देंगे। तो सबसे पहले आप चंडीगढ़ के जो वेबसाइट है वहां पे आइएगा और इस जो नोटिस है उसको क्लिक कीजिएगा। और आज के डेट में जो नोटिस आपके लिए आई है, तकरीबन आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेस्ट बुक आपके लिए लाया है, ईयरली मॉक टेस्ट पास। और अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा, एनटीपीसी के लिए जो टेस्ट बुक है आपके लिए तकरीबन 177 यहाँ पे टेस्ट और प्लस 99 टेस्ट, यानी कि आपको कम्प्लीट पैकेज एनटीपीसी के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके साथ अगर ग्रुप डी की भी तैयारी करना चाहते हैं, और आप इसके एक ऑफर चल रही है जिसमें कि आपको लाइफ टाइम के लिए 499 में आपको चीज़ें मिल जाएगी लाइफ टाइम के लिए, और उसके लिए आपको कूपन कोड अगर ईआर मनीष यूज करते हैं तो इसमें भी आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे 20,000 का एक एलईडी आप टीवी भी जीत सकते हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा सब्सक्रिप्शन के लिए। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ, तो देखिएगा इसमें क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। देखिएगा जो नोटिस आया है, नोटिस टू कैंडिडेट आरआरबी हैव नोटिफाइड 3 सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN जो भी है 01/2019 एंड RRC 01/2019 फॉर वेरियस कैटेगरीज। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज कमेंस्ड फ्रॉम दिसंबर, जो दिसंबर 2020 से चालू हुआ था, आफ्टर ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ COVID-19 एंड इज बीइंग हेल्ड इन फेज। जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया था, जैसे ही उसमें थोड़ा सा ढिलाई हुआ, हमने दिसंबर में 2020 के दिसंबर में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराने चालू कर दिए थे, ये इंग्लिश का मतलब है। फर्दर शेड्यूलिंग ऑफ CVT हैज़ बीन हेल्ड अप बिकॉज ऑफ वेरियस रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाई द अफेक्टेड स्टेट ड्यू टू स्प्रेड ऑफ COVID-19 पेंडेमिक वंस अगेन। और जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड वेव में भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे जो स्टेट है वो जो लॉकडाउन है वो लगा दिए, जिसकी वजह से हमें एग्ज़ाम रोकना पड़ा। कहने का मतलब ये है, कैंडिडेट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म डैट फर्दर शेड्यूलिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज इन ड्यू कोर्स वंस द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाई वेरियस स्टेट्स आर इरेज। जैसे ही आपका रिस्ट्रिक्शन खत्म होता है सभी राज्य से, कहने का मतलब यही हुआ कि लगभग सभी राज्य से, क्योंकि एक भी राज्य रखता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपका जो शेड्यूल है 7th फेज का, जिन बच्चों का बचा हुआ है उनका आ जाएगा। तो इस नोटिस का थीम पॉइंट क्या है, एक जो बात है वो कन्फर्म हो गई कि जैसे ही रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होता है आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, चाहे तो कुछ भी सिचुएशन हो, कहने का मतलब यही हुआ। देखिए, इस नोटिस से थोड़ा सा हमें आस मिली, क्या मिली कि इनके दिमाग में है कि आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो। वो अलग बात है कि अगर ये नोटिस पहले दे दिए होते तो हमें एक डायरेक्शन मिलता पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, जैसे अभी जो बिहार है आज 8 तारीख तक फिर से बढ़ा दिया लॉकडाउन, दिल्ली में धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल होती जा रही है और वहाँ पे अनलॉकिंग की प्रक्रिया केजरीवाल जी ने शुरू कर दी है। तो ये चीज़ें अभी साउथ में थोड़ा सा स्थिति दयनीय है, वहाँ पे 30-30 हज़ार 20-20 हज़ार केसेज आ रहे हैं, लेकिन इतना तो अब आशा है कि जैसे ही नॉर्मल होगी चीज़ें, जैसे ही ओपन होगी, आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे, जैसा कि ये नोटिस में कहा गया है। अब ये अगर हम बात करें कि RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो अगर हम RRC ग्रुप डी की बात करें तो उसके जस्ट बाद, और वो जल्दी मिलेंगे, क्योंकि वो इस तरीके से अगर जो फेज बाई फेज हुआ था ना, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा समय ले लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम थोड़ा सा स्पीड में होगा, जिस तरह से सेकंड वेव आया है। पहले तो इतना अनुमान नहीं था कि सोचे कि फर्स्ट वेव में ख़त्म चीज़ें हो जाएगी, अब आराम से लेते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से थर्ड वेव की चर्चा की जा रही है, लेकिन अगर ओपन होती है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो धड़ल्ले से हो जाएगी। ठीक है, तो अभी भी पेशेंस बनाए रखिए, आपका मैं गारंटी लेता हूँ कि अभी जून तो स्टार्ट हो गया कल से, जुलाई में अगर इस तरीके से पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं आपके
आरआरबी की तरफ से। तो अगर सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है तो जुलाई में भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वही कंडीशन है कि सब ओपन हो जाए, यानी कि आपका जो जितने भी राज्य हैं सभी अनलॉक हो जाए। लेकिन थोड़ा सा अभी कर्नाटका और तमिलनाडु की स्थिति ख़राब है, तो मुझे लग रहा है कि एक महीना तो मिनिमम आपको जून तो नहीं लेगा। अगर जुलाई में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो अच्छी है बात है, बल्ले बल्ले आपके लिए है। और जुलाई में अगर आपका एग्ज़ाम ये ख़त्म हो गया तो अगस्त से हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम वो भी स्टार्ट हो जाए आरआरसी ग्रुप डी का। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्या आपके लिए ये मोटिवेटिंग नोटिस है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें हैं, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, देखिएगा जिस तरह से ये नोटिस, पहले तो 3 महीने तक कोई नोटिस नहीं दिए, जैसा कि और भी जो बोर्ड है एसएससी है या आपके यूपीएससी है, उसने नोटिस दे के अपने बच्चों को यानी कि अपने कैंडिडेट को अपने एस्पिरेंट को ये एक टारगेट दे रखा है कि भाई हम आपका एग्ज़ाम लेंगे, इस दौरान ले सकते हैं। लेकिन जो रेलवे है वो कभी इस तरह से बातें नहीं करता है कि हम आपका एग्ज़ाम कब लेंगे, लेकिन जिस तरह से आज उसने नोटिस दिखाई है तो ये तत्परता दिखाती है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के मूड में है। थोड़ा सा ये भी प्रेशर बनता है कि समय समय पर हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं, तो थोड़ा सा उनको कभी देखते होंगे शायद, वैसे तो नहीं देखते होंगे, हम लोग तो गाजर मूली हैं तो वैसे देखते नहीं होंगे, लेकिन हाँ इतना तो उनको भी पता है कि वीडियो बनाने से बच्चे जागरूक होंगे, कहीं ना कहीं कहीं फिर ना ट्विटर पे आंदोलन छेड़ सकते हैं। तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव चीज़ है, आप पढ़ते रहिए और जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने आपको आगाह किया है कि ये चीज़ें आपके चंडीगढ़ की वेबसाइट पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खोजनी पड़ती है। सबसे पहले मेरे पास ये नोटिस आया तो मुझे जांच पड़ताल करनी पड़ी, जिसकी वजह से मुझे आधा घंटा लेट ये वीडियो डालना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे जो भी न्यूज़ दूंगा एकदम से 100% एक्यूरेसी के साथ दूंगा और प्योर दूंगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो ऑब्वियस है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको और भी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो मिलता रहे। और मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपने टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाइए, जो भी इंस्टाग्राम है और फेसबुक पेज है सभी का लिंक मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, कमेंट बॉक्स में मैंने पिन भी कर दिया है, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और इस नोटिस को मैं अपने टेलीग्राम, जितने भी मेरे सोशल मीडिया साइट हैं वहाँ पर मैं शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से भी आप जाके इसको पढ़ सकते हैं और चंडीगढ़ के वेबसाइट पर जाके आप इसको बजाबते इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से रिमाइंड कर दें कि आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो जुलाई या अगस्त में शुरू हो जाएगा, जैसे ही आपका जितने भी स्टेट हैं वो अनलॉक हो जाती है। ठीक है, आप बताएंगे कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपका जो स्टेट है वो अनलॉक हुआ है कि नहीं हुआ है, वहाँ पे कितने केसेस है, कब तक ये अनलॉक हो सकती है, आप तमाम चीज़ें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए, क्योंकि आपके बताए गए या कमेंट में दिए गए सजेशन के आधार पर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।